पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश करते वक्त एक यात्री बस ट्रेन की चपेट में आ गई। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। सकूकर आयुक्त शफीक अहमद महेसर ने बताया कि इस हादसे में कम 20 लोगों की मौत हो गई है और कई घायलों की हालत नाजुक होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि हमने कम से कम 60 घायलों को रोहरी और सुकुर के अस्पतालों में भर्ती कराया है। यह हादसा रोहरी रेलवे स्टेशन के पास मानव रहित कंधरा रेलवे क्रॉसिंग पर उस समय हुआ जब रावलपिंडी से कराची जा रही 35 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन एक यात्री बस से टकरा गई। सुकुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जामिल अहमद ने कहा कि बस सुकुर से पंजाब जा रही थी और उसमें 50 से अधिक यात्री थे। उन्होंने कहा कि यह भीषण हादसा था। ट्रेन बस से इतनी जोर से टकराई कि बस के 3 टुकड़े हो गए। अहमद ने बताया कि बस लगने के बाद बस करीब 150 से 200 फुट तक ट्रेन के साथ खिसटती हुई चली गई। बचाव अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और जबकि कुछ लोगों ने अस्पताल से जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। आयुक्त शफीक अहमद ने बताया कि महिलाओं और बच्चों समेत घायलों को रोहरी और सुकुर के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी दुर्घटना है और सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। यह मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी और दुर्भाग्य से बस चालक ने उस समय क्रॉसिंग पार करने का जोखिम उठाया जब ट्रेन तेजी गति से आ रही थी। सुकुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुंगेर मंगोरिया ने बताया कि 13 शवों को रोहरी अस्पताल और अन्य शवों को सुकुर के अस्पतालों में भेजा गया है। मृतकों में 5 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं। पाकिस्तान रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार इस हादसे के लिए स्पष्ट रूप से बस चालक जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि हादसे में ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और सहायक चालक घायल हो गया है। बता दें कि पिछले साल जुलाई में महीने में भी पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में एक भीषण ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तेज गति से आ रही पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई थी। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 79 जख्मी हो गए थे। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि अकबर एक्सप्रेस पंजाब प्रांत के सादिकाबाद तहसील के वलहार रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। पाकिस्तान के सुकुर शहर के पास शुक्रवार को एक बस अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय पाकिस्तान एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, 60 घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मरने वालों में 5 महिलाएं और 9 पुरुष हैं। ये सभी बस में सवार थे। पाकिस्तान में कुल 2470 अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।